आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओहो, ये सब नहीं। अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओहो, ये सब नहीं। अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें, जहां सोच वहां शौचालय। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओहो, ये सब नहीं। अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। इस कामना के साथ कि आप रहे सभी स्वस्थ और आप सभी के जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह की परेशानी से आप रहे बिल्कुल स्वस्थ। क्योंकि परेशानी जो हमारे जहन में एक बार आ जाती है तो हमें लगता है कि अब उससे निकलने का कोई समाधान हमारे पास नहीं है, परंतु इस कार्यक्रम के माध्यम से आप किस प्रकार रह सकते हैं जो स्वस्थ, ये सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो बिना देर करते हुए स्वागत करना चाहूंगी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। थैंक यू। यूं तो हम बहुत सी परेशानियों के बारे में आपसे बात करते हैं, परंतु जब बात आती है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक के बारे में, तो ऐसे में लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता किस प्रकार इन परेशानियों से हम बाहर निकल सकते हैं, वो सारी जानकारी आप बताएं। देखो, वैदिक उपचार हमने इसीलिए लाए हैं कि जो भी किसी को कोई भी तकलीफ हो तो अपना पूरी डिटेल बता दे, कहाँ रहते हैं, कहाँ कैसे क्या है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी अगर बता दे तो अच्छा रहेगा। तो उसी के अनुसार फिर वैदिक उपचार में उसका समावेश किया जाए, आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या नहीं है, तो उसी के अनुसार फिर आपके अनुसार ही उसका पूरा सेट भेजा जाता है। तो जो हमारे एक्सपर्ट है उसके हिसाब से ही उसको भेजते हैं, तो आप मंगा सकते हैं। और ये इसीलिए मैंने 1500 रुपए का किया वैदिक उपचार, जो आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हो चुकी है, भारती जी है बेंगलोर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार भारती जी, बताए। थैंक यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे थैंक यू भारती जी, बताए। सर, एक्चुअली डॉक्टर साहब, मुझे थायराइड है। हाँ जी। मेरा थोड़ा सा वेट का भी प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो उसके लिए मैं कौन सा दवाई लूं? हाँ, वो तो फिर वैदिक उपचार में पूरा सेट आएगा, एक तरह से पूरा बता दो जी, उसी के हिसाब से भेजते हैं। तो पेट पर गर्म ठंडी पट्टी बांध रहे हो भारती जी? वैसे जी सर, पेट पर जो हम गर्म ठंडी पट्टी बताते हो, बांधते हो या नहीं बांधते? जी सर, मैं आपका प्रोग्राम एक साल से देख रही हूँ, मैंने वो किया है। क्या क्या? लेकिन हेलो, क्या क्या उपाय किया अभी तक आपने? मैंने वो नेल्स पर तेल बोला था ना आपने, वो भी लगाया है। हाँ जी। और हल्दी का दूध भी पिया है, मेरे को बॉडी में बहुत पेन रहता था, मैं पेन भी कम हो गया है। अच्छा, कम हो गया ना पेन? हाँ जी। हाँ जी।
और मैंने वो दिया भी लगाया है सर अभी, और एक साल में एक बार लगाना बोला था आपने। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भारती जी? जी जी सर, मेरे को बहुत प्रॉब्लम था फाइनेंशियली, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी अभी। और हेलो, नहीं देखो ये तो आपकी वो है, बहुत ही अच्छा। देखो आपने विश्वास किया, विश्वास की हमेशा जीत होती है, हम तो यही कहते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ वैदिक उपचार आर्थिक मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, इसलिए मैं कहता हूँ। नहीं तो मैं क्यों कहता, ना तो हम खाली बीमारी बीमारी के लिए कहते। तो थायराइड का पूरा सेट बंगाड़ा, उससे बहुत ही अच्छा भारती जी इफेक्ट आएगा, और लग के कोर्स करना मैं तो यही कहूंगा। तो आपने देखो, मैं इसलिए लोगों को अब दिखाने लग गया कि देखो कैसी बीमारी थी कैसे ठीक होगी, क्योंकि वैदिक उपचार में हर चीज का हमने समावेश किया है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो चाहे मानसिक हो शारीरिक हो। अगर मान लो बीमारी आर्थिक परेशानी रही तो फिर भी बीमार रहेगा आदमी, मतलब पूर्ण स्वस्थ नहीं कह सकते हम। पूर्ण स्वस्थ जब होगा जब आर्थिक मानसिक और शारीरिक बीमारियां उसकी दूर होंगी, और जैसे जैसे उपाय करेंगे, जैसे जैसे वैदिक उपचार को अपनाएंगे और पूरी श्रद्धा से और लगन से करें, मैं कह रहा हूँ फल जरूर मिलेगा, क्योंकि गीता का एक ही ज्ञान है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। लेकिन उसमें भी देखो गीता में ज्ञान दिया इच्छा मत कर, लेकिन सबको फल तो दिया ही दिया है भगवान ने। जी मैं तो खुद इस चीज से हैरान हूँ कि भारती जी ने अभी खुद बोला कि उन्होंने आपके यहाँ से जितने भी उपचार थे वो सारे करे हैं और उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। उनको कर्जे की परेशानी थी, जो उपाय आप बताते हैं दिया जलाने का वो भी उन्होंने करा, हल्दी का दूध वो पीती है, थायराइड की परेशानी थी वो भी दूर हो गई, और साथ ही जो वेट की परेशानी थी वो भी दूर हो गई। मतलब दूर नहीं हुई अभी, दूर तो अब होगी, वैदिक उपचार जब मंगाएंगे तो पूरा दूर हो जाएगी। मेरा जो अध्यात्म मानना है, तो पूरा कोर्स करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, जिसको आपका मार्गदर्शन मिल जाता है वो स्वस्थ हो जाता है, ये बात तो हर कोई कहता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दो दर्शकों बार बार लगातार यही चीज हम आपको बता रहे हैं, कॉलर भी बार बार हमें फोन करके यही चीज बताते हैं कि वैदिक उपचार उनके लिए कितना सहायक सिद्ध हुआ है, क्योंकि वैदिक उपचार आपको आर्थिक मानसिक शारीरिक तमाम तरह की परेशानियों से एकदम निजात दे देता है। नंबर्स आपके सामने हैं, अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको सिर्फ एक कॉल करनी है, आप देखेंगे परिवर्तन जरूर आएगा, लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आगे बढ़ते हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नेहा जी हैं मोगा पंजाब से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार नेहा जी, बताएं। हाँ जी, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर जी। अरे वाह, थैंक यू नेहा जी, बताएं। हर चैनल पर हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। अरे वाह, अच्छा जी। आपकी दवाई मंगाई थी हमने शुगर की, और उनसे हमें बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, कितने दिन हो गए शुगर की दवाई लेते हैं? डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीना? हाँ जी। हाँ जी, ताकत कितनी बड़ी, ताकत बताओ। ताकत काफी आ गई है हमें। आ गई ना, अब शुगर कितनी रहती है वैसे? 195 आने लगी है। नॉर्मली आ गई, एक तो नॉर्मली आ गई ना, 145, तो बहुत ही अच्छा जी। तो ये लगातार लेते हैं ना? हाँ जी बताओ। मैंने फोन किया था, मेरे दांतों में से ना खून बहुत ज्यादा आता है, ब्लड। वो तो पायरिया है, वो तो दांतों के डॉक्टर को दिखाओ जी, वो सफाई करेंगे ना तो उससे पायरिया ठीक होने लग जाता है, तो दांतों के डॉक्टर से एक बार दिखा लेना, वो सफाई कर देंगे, क्योंकि पायरिया होता है खून की, एक बार सफाई कर दे ना दांतों का डॉक्टर तो ठीक हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दांतों के डॉक्टर से एक बार दिखा लेना, उससे बहुत ही अच्छा इलाज हो जाएगा। बिल्कुल, सारी जानकारी आपने नेहा जी को दे दी है। और फिलहाल दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ कुछ ऐसे लोगों की जबानी जो कि खुद बता रहे हैं कि वैदिक उपचार उनके लिए कितना सहायक सिद्ध हुआ है, कितनी परेशानियों से उन्हें निजात मिली है। तो आइए नजर डालते हैं एक बार फिर से। क्या नाम आपका? मनदीप। कहाँ रहते हो मनदीप जी? मैं साइन में। साइन बॉम्बे में? हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? विक्रम जी। अच्छा, आपकी किसी से ही है? हाँ जी हाँ जी। तो शुगर कब से थी आपको? बहुत टाइम पहले थी। अच्छा, हमारी दवाई कब से खा रहे वैदिक उपचार की? हो गया है साल डेढ़ साल हो गया। हाँ जी। तो अब शुगर नॉर्मल आती है क्या? आता शुगर? हाँ जी हाँ जी, नॉर्मल है। अब तो नॉर्मल है। हाँ जी। तो दवाई भी बंद है? एक महीने से। एक महीने से दवाई बंद है? हाँ जी जी, एक डेढ़ महीना हो गया नहीं खाई दवाई मैंने। तो शुगर तो नॉर्मल आ रही है आपकी बिल्कुल ये रिपोर्ट में? तो हाँ जी हाँ जी। रिपोर्ट दिखाना है? शुगर की दिखाई रिपोर्ट दी है आपकी? हाँ जी। हाँ, 105 आ रही है आपकी दवाई? हाँ जी। वाह बहुत बढ़िया, यूरिक एसिड भी ठीक हो गया आपका तो? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। तो आपको शरीर में ताकत कितनी बड़ी जैसे आप कहते हैं? ताकत तो है, एनर्जी है, पहले नहीं थी, पहले बहुत वीकनेस थी, चला ही नहीं जाता था, अभी ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ जी। तो एक साल से दवाई लगातार खा रहे हैं, बिना छोड़ने के बाद भी शुगर आपकी 105 आई है ना? हाँ जी हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। ताकत पूरी, ताकत कितनी महसूस करते हैं आप इनमें? ताकत तो करती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ।
नहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ठीक है, अभी वो लोग महंगी के कारण नहीं आते यहाँ पर खाने जी। तो इसके लिए इसने खाई है तो फर्क पड़ा है। अच्छा, आगे तो महंगी लगती है आपको दवाई? आप सच बता रहा तो ना। नहीं महंगी तो नहीं, अभी ठीक है अपने हिसाब से। दवाई कम हो जाती है? अंग्रेजी दवाइयाँ एकदम बंद है। जी आप सभी ने खुद ही देखा है यहाँ पर किसी भी चीज के लिए हमने किसी को नहीं कहा कि आप ये चीज कहिए। लोग आपको यहाँ पर खुद बताने आ रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कितना ज्यादा इससे फायदा हुआ है वैदिक उपचार से। तो आप देखिए, अगर आप भी चाहते हैं स्वस्थ रहना आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से, तो उसके लिए आपको क्या करना है? नंबर्स आपके सामने है, नंबर्स पे संपर्क करना है। परेशानी चाहे थायराइड की हो, चाहे डायबिटीज की हो, माइग्रेन की हो, बीपी की हो, कोई भी परेशानी, उसका इलाज सिर्फ एक है, वैदिक उपचार। नंबर्स घुमाइए, फायदा उठाइए। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है, अनीता जी हैं भिवानी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ अनीता जी बताएं। नमस्ते डॉक्टर जी। हाँ नमस्कार जी अनीता जी बताएं। मैं आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ। बताओ कि क्या क्या किया आपने? मुझे थायराइड था। हाँ जी। 5.80। अच्छा बड़ा बात। तो मैंने आपका धनिया का पानी पिया है। अच्छा जी। उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है और मेरा खत्म हो चुका है। डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी है मेरी। अच्छा दवाइयाँ बंद कर दी सारी? हाँ जी बंद कर दी। नहीं एकदम मत बंद करो जी, धीरे धीरे करना बंद। तो वैसे चेक कराते रहो, थायराइड का पूरा सेट मंगाओ फिर। तो कितने दिन से इलाज कर रहे हो आप हमारा? मैंने 4-5 महीने पानी पिया कंटिन्यू सुबह शाम। तो सूजन उतर गई उससे? सूजन उजन सब उतर गई? कुछ भी नहीं था डॉक्टर, ना मुझे स्वेलिंग थी, कुछ भी नहीं था, बस वेट बढ़ रहा था मेरा। अच्छा वेट तो बढ़ना रुक गया होगा ना एकदम? हाँ जी वेट तो रुक गया पहले से। तो पट्टी नहीं बांधते पेट पर गर्म ठंडी? हाँ जी पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी नहीं बांधते? ना वो नहीं बांधती। अरे नहीं देखो मैं दिखा देता हूँ फिर, दोबारा दिखा देता हूँ जो नहीं दस। देखो ये गर्म पट्टी है, ये देखो आप देख रहे हो, तो इसको क्या कर रहे पेट पर, ये तो गर्म पट्टी होती है और दूसरी भी दिखा देता हूँ, ये ठंडी पट्टी है, यानी जो इस पानी को नॉर्मल पानी में निचोड़ के इसको टाइट करके पेट पर बांधे, ये डोरी बांधने के लिए है पूरी लंबी, और इसको फिर इसके ऊपर बांध ले, तो इसको 30 मिनट कम से कम सुबह दोपहर शाम बांधोगे तो पेट का जो मोटापा हो धीरे धीरे कम होगा। थायराइड में या किसी चीज में पेट की गैस कब्ज में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। देखो आप उनको देख रहे थे आप, उनकी शुगर भी खत्म हो गई रही है, बिना दवाई छोड़े पास भी 105 आती है, घर में काम नहीं कर पाती काम करने। और सरदार जी को आपने खुद सुना, मतलब कई ट्रांसपोर्ट का काम था, कई सनी का काम था, तो सनी क्या करता रहता था, कर्ज करवा दिया उन्होंने, जैसे ही उन्होंने हल्दी का दूध किया बृहस्पति शुक्र उचका हुआ और नेल्स पे तेल लगा और दिया लगा उन्होंने बताया था, तो उससे क्या होगा एकदम धन का लाभ मिला, जिंदल का कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, जहां पर इनकम यानी शोर हो जाती है भाई ये तो कंफर्म ही है। तो देखो अब 70-80 ट्रक भी हो गए, कहां 25 ट्रक थे, उनकी मैसेज कह रही थी कर्ज में हो गए थे। तो देखो उपाय किया और इलाज किया, लग के इलाज किया, और इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी हमारा इलाज करते करते कर्ज में नहीं पैसा बढ़ेगा, क्योंकि उपाय अपने आप ही बढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं भगवान कैसे चमत्कार करता है, भगवान न्यायकारी है, उसने तो पैसा देना ही देना है, बस विधि अपना आनी चाहिए कैसे लेना भगवान से। और भगवान तो मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ वैदिक उपचार आपको आर्थिक मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, हर चीज में सहायक सिद्ध होता है, बहुत जबरदस्त इसके इफेक्ट आते हैं। और जिसको जो भी तकलीफ है हम उसी के हिसाब से, हमारे पास उसी के एक्सपर्ट बैठे हैं, उसी के अनुसार आपको इलाज बताते हैं, उसी के हिसाब से वैदिक उपचार आपके पास भेजते हैं। और इसलिए मैंने 1500 का किया है, मैंने कहा इसलिए 1500 का कि आम आदमी इसको मंगाए और इसका लाभ ले। जी मतलब बहुत सही बातें आपने बता दी है सभी दर्शकों के लिए भी, और अनीता जी को भी बता दिया है कि अगर आप वेट लूज करना चाहती हैं और उसके लिए परेशान है किस प्रकार किया जाए, थायराइड की परेशानी तो आपकी दूर हो गई, परंतु वेट लूज भी तो करना आवश्यकता है क्योंकि उससे बहुत सारी परेशानी जल्द ही आपके शरीर में ग्रसित कर सकती है। तो ऐसे में गर्म ठंडी मेडिकेटेड पट्टी आपको मंगवानी है, नंबर्स आपके सामने, नंबर्स पे तुरंत संपर्क करें और इसे मंगवाकर जिस प्रकार से आपको सारी विधि यहां पर बताई गई है उसके माध्यम से आप इसे इस्तेमाल करें, पूरा लग करके करें, आप देखेंगे आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे साथ एक और, जैसे कि हम बार बार बताते हैं सभी दर्शकों को कि कितने ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ और भी दर्शक हमारे साथ ऐसे जुड़ चुके हैं जो खुद बताना चाहते हैं कि उन्हें कितना ज्यादा वैदिक उपचार के माध्यम से लाभ हुआ है और किस प्रकार वैदिक उपचार सहायक सिद्ध है। क्या नाम है आपका? आपको क्या क्या तकलीफ थी? मेरे को डायबिटीज था, तो डायबिटीज अभी मेरे को एक महीने दवा लिया, तो पहले 2 कैप्सूल लेती थी, अभी एक ही लेती हूँ। अच्छा आराम पड़ गया था? अभी कितने साल से थी शुगर? 2 साल।
दो साल से। और क्या क्या तकलीफ थी? मेरे को दूसरा तो बुखार आता है और चक्कर बहुत आते थे। अच्छा, और दर्द पैरों में रहता था? खाना था पैरों में, बॉडी में, पूरे बॉडी में दर्द है। अच्छा, पूरी बॉडी में दर्द रहता था? तो एक महीने में कितना फर्क पड़ा आपको? थोड़ा थोड़ा आराम हुआ। अच्छा, दर्दों में भी आराम है? तो नहीं आते ना आपको? नहीं, थोड़े कम आते हैं मतलब। अच्छा, पहले से कम हो गए? कम हो गए। अच्छा, एक के बिना दवाई खाई ना अभी? हाँ, एक ही महीना। अच्छा, शुगर में बहुत आराम पड़ गया? हाँ, शुगर में। शुगर तो बिल्कुल कंट्रोल आ रही है ना आपकी? हाँ। पहले बहुत बड़ी रहती थी? हाँ। आप सभी दर्शकों ने खुद ही देखा है, यहाँ पर जो महिला थी वो खुद ही कह रही है कि डायबिटीज उन्हें 2 साल से थी और कितनी ज्यादा वो परेशान थी। किस प्रकार वो ठीक हुई? वैदिक उपचार के माध्यम से। वैदिक उपचार आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है, ऐसा खुद लोग बता रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं, खुद दर्शक यहाँ पर आकर के आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि आपको जागरूक किया जाए, उसके लिए ही ये प्रोग्राम बनाया गया है, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके जीवन में कोई दुख ना आए। तो आपको क्या करना है? टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करना है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ एक ही चाबी आपके पास, ये नंबर, इन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। आगे बढ़ते हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय जी हैं अंबाला से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। हाँ विजय जी, नमस्कार सर, बताए। हाँ नमस्कार डॉक्टर, कैसे हैं जी? अब ठीक है सर, और बताए। डॉक्टर एक क्वेश्चन पूछना था मैंने, मेरे को हर्निया है 2 साल से जी। हाँ हर्निया, ठीक है जी। तो उसका डॉक्टर कोई इलाज है? कुछ इलाज तो गर्म ठंडी पट्टी बंद हो रही है, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये जो गर्म ठंडी पट्टी मैं दिखा रहा हूँ, फिर एक बार फिर दिखा दूँ आपको तो खरे, एक बार दोबारा अगर मलावे जुड़े होते। ये देखो, ये सूती कपड़ा होता है, इसको टाइट करके पेट पर बांधना, पानी में निचोड़ के अच्छी तरह इसको पूरा टाइट करके पेट पर बांध लेना अच्छी तरह। और एक्चुअली डॉक्टर लेफ्ट राइट साइड पे ना जी? अरे आप चिंता छोड़ दो बिल्कुल ही। और ये दूसरी पट्टी, इसके ऊपर ये गर्म पट्टी बांधनी होती है, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, गर्म ही होती है। इसको 30 मिनट सुबह, 30 मिनट दोपहर और 30 मिनट शाम को बांधो, और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाओ पेट पर पूरा जांघों तक नीचे तक, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। हर्निया का वैदिक उपचार पर पूरा इलाज मंगाओ, वो पूरा एक बार बता देना हर्निया, तो ये पट्टी भेजेंगे और पूरा सेट भेजेंगे आप, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसका लोग लग के कोर्स करना, क्योंकि हर्निया का जो इलाज है कम से कम 9 महीने का होता है, तो बीमारी यही रुक जाएगी, पड़ेगी आपकी जी। मतलब विजय जी की तमाम परेशानियों का आपने निदान कर दिया, बता दिया क्या कुछ करना है उन्हें। ठंडी गर्म पट्टी अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करना है, और जो उपचार आपको बताए जाएंगे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से वो उपचार जरूर मंगवा लीजिएगा हर्निया के लिए, तो आप देखेंगे आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मधु जैन जी हैं अलवर राजस्थान से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। हेलो, हाँ मधु जी बताएं। डॉक्टर नमस्ते। हाँ नमस्कार बदू जी, बताएं। डॉक्टर मेरे को आपका प्रोग्राम पास आप देखो, मैं बहुत खुश होती हूँ मैं आपका प्रोग्राम देख। अरे वाह बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या उपाय किया बदू जी 5 साल में आपने? हल्दी भी पीते हैं और वो नाखून का तेल भी लगाते हैं। अच्छा, क्या फर्क पड़ा 5 साल में? बहुत फर्क पड़ा है डॉक्टर साहब। जैसे बताओ, दुनिया सुन रही है आपको, आज लाइव मतलब अच्छा है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, वैसे भी सही है, हम बढ़िया हैं। बढ़िया ना, चलो बहुत अच्छा जी। लेकिन एक प्रॉब्लम डॉक्टर, हमने ना अगस्त में आपसे तुलसी अमृत मंगवाया था। बहुत अच्छा किया। तो लेकिन वो तुलसी अमृत हमने एक शीशी अपनी बेटी को दी थी। हाँ हाँ हा। तो उनके तो सारे परिवार को सूट कर गई, लेकिन हम दोनों पति पत्नी को नहीं करा। क्या मतलब, मैं क्या क्या क्या, क्या सूट नहीं करा आपको, उनको कर गया सारा? तुलसी अमृत तो उनको मतलब बेटी को दिया, उनको क्या लाभ मिला? उनको तो सूट कर गया। अच्छा, और हम पति पत्नी को सूट नहीं करा, हमारे खुजली होगी थी सारे शरीर में। हाँ हाँ। और वो अगस्त में आया था, हमने सितंबर में बंद कर दिया था। नहीं मतलब क्या पीते थे पानी में, क्या डालकर 2 बूंद पानी पीते थे? हाँ जी, एक ही बूंद डालते थे हमको पानी में, जब भी हमारे खुजली होगी। मेरे भी कमर में खुजली अभी भी है। अच्छा, पहले भी थी खुजली कभी? नहीं पहले नहीं हुई थी जी, कमर में मतलब थोड़े से जगह पे है बिल्कुल, और मेरे हस्बैंड ने तो अंग्रेजी दवाई खाई उससे ठीक हुई है, और उनके डायबिटीज वैसे है मेरे पति के। तो डायबिटीज का सेट मंगाओ ना, आप क्यों चक्कर में पड़े मधु जैन जी? नहीं आपके उपाय करती हूँ ना, मिस गेहूं चने की रोटी खिलाती हूँ। हाँ हाँ। और 5 साल से मैं उनको दे रही हूँ करेले का, टमाटर का जूस। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ा? उनसे ये फर्क पड़ा कि इनके बहुत नॉर्मल आती है, 100-120 आती है बस। अरे तो बहुत अच्छा हो गया, देखो कितना ही फर्क। देखो ऐसा ना कि तुलसी अमृत देखो आपको खुजली करती है ना, समझना गहराई है बहुत ही इसमें। हाँ जी। तो आपने रखी कहाँ थी घर में? घर में रख रखी है मैंने।
पूरब दिशा की तरफ रखिए वो। नहीं वो तो ठीक रखी हुई थी, तो ऐसा करो पानी में घर में छिड़काव करो और एक बार उसका गायत्री मंत्र का उच्चारण करके गायत्री मंत्र का कम से कम 6 या 8 बार उच्चारण करो और फिर इसको जहां पर खुजली होती है ना वहां पर लगाओ और तुलसी माता का एक बार नाम लेके लगाना और खुजली एकदम कैसे बंद होगी आप खुद देखोगे, ये चमत्कार देखना 7 दिन के अंदर अंदर। तो ये करो तो और है, और हस्बैंड के लिए डायबिटीज का सेट मंगाओ, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो पूरा सेट मंगाना, बहुत ही मैं कह रहा हूँ मधु जी, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बार बार ये दवाइयां जो डायबिटीज की खाते थे ठीक ही होने लग जाती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं डायबिटीज में। तो आपने तो जैसे बताया अब वैसे भी 100-125 रहती है, नॉर्मल रहती है, लेकिन जो दवाई जो हमारा वो सेट आएगा वैदिक उपचार को हमारे डॉक्टर जो भेजेंगे वो ताकत बहुत देगा आपको, एनर्जी बहुत देगा, वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगा जी। बिल्कुल सारी जानकारी आपने मधु जैन जी को दे दी है क्या कुछ खास उन्हें करना है, और साथ ही ये भी बता दिया है आपकी जो पति को परेशानी है डायबिटीज को लेकर के वो कैसे दूर हो सकती है। आपको यहाँ पर बार बार बताया जाता है कि वैदिक उपचार के माध्यम से हर परेशानी का निराकरण सहायक सिद्ध हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, नंबर आपके सामने, नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानियों को दूर करना है। और अभी आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे दर्शकों की मुंह जबानी जिनसे आप देख करके खुद ये जान पाएंगे कि किस प्रकार वैदिक उपचार मानसिक आर्थिक शारीरिक हर परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। क्या नाम है आपका? इंदिरा गांधी। अच्छा इंदिरा गांधी, आपको कितने साल से शुगर थी जी? करीब 2003 से थी, अभी तक थी। अच्छा, आपकी दवाई लेने के बाद मेरे को बिल्कुल कंट्रोल में आ गई है। तो इंसुलिन तो तीन टाइम इंसुलिन लेती थी, 40 तक। अभी इंसुलिन सब बंद है। अच्छा, जो दर्द रहता था बॉडी में आपके पूरे में? हाँ, पैर में डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी हुआ था, वो एकदम अच्छा है। तभी मैं क्रची से व्हीलचेयर पे थी। अच्छा, अभी खुद चल सकती हूँ मैं। अच्छा, व्हीलचेयर पे थी, अब चल नहीं पाती थी। नहीं चल पाती थी मैं। अच्छा, इतना फर्क पड़ गया ना? हाँ, इतना फर्क पड़ा, अभी खुद चल सकती हूँ मैं। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा है भैया, मिरेकल हो गया मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, आम आदमी को क्या कहोगे आप, वैदिक उपचार अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? नहीं, ये तो कीजिए, वैदिक उपचार बहुत अच्छा है। और सबको देखो अपना अपना नसीब होता है, लेकिन मैं इसमें बहुत मानती हूँ देसी उपचार में, तो मेरे को फर्क पड़ गया है। अभी सर छूट गया, आपकी शुगर भी कंट्रोल आ गई? इंसुलिन आप तो नहीं ले रहे ना? नहीं, इंसुलिन नहीं ले रही अभी। यानी इंसुलिन छूट गया? छूट गया। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शकों, आप, मैं सोच रही हूँ मैं क्या बोलूँ आप सभी के सामने। आपने खुद सुना है यहाँ पर जो महिला थी वो खुद अपनी जबानी आपको ये बता रही है कि नौबत आ गई थी कि व्हील चेयर से उठने तक की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो ऐसे में वैदिक उपचार के माध्यम से उनकी जो परेशानी थी वो कैसे दूर हो गई, वो खुद कह रही है कि मिराकल हो गया भाई मेरे साथ। तो क्योंकि उन्हें परेशानी थी डायबिटीज की, इंसुलिन के ऊपर वो चल रही थी, ऐसे में वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, आराम से घूम फिर जाएंगी। तो ऐसे में क्या करा उन्होंने, वैदिक उपचार के माध्यम से अपनी परेशानियों को दूर करा। क्योंकि वैदिक उपचार बार बार हम आपको बताते हैं वो आपके आर्थिक मानसिक शारीरिक तमाम परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। खुद लोग बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, खुद लोग आ रहे हैं बता रहे हैं, फोन के माध्यम से बता रहे हैं, खुद आकर हमें बताते हैं। इसलिए क्योंकि आप जागरूक हो सके, आप स्वस्थ रह सके, और हमारी कोशिश भी सिर्फ यही है। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, सुधा जी हैं यमुनानगर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्कार सुधा जी, बताएं। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है। उनकी उम्र 50 साल है और उनको 22-23 साल से पथरिया बन रही। उनके 3 ऑपरेशन हो चुके, उनके एक गुर्दे में तो राइट साइड असिस्ट है 37 mm की। हाँ जी। और दूसरी तरफ उनका गुर्दा दूसरा सुंगड़ा हुआ है थोड़ा, 10-20%। हाँ जी, तो मुझे बात करनी थी कि ये अब भी पथरिया बन रही और 3-4 ऑपरेशन भी करवा चुके अब। तो हमारा प्रोग्राम कब से देख रही हूँ सुधा जी वैसे? हाँ जी, मैं 1-1.5 साल से देख रही थी। क्या उपचार मंगाया हमारा? हाँ जी, मैंने हल्दी का दूध पिया था, लेकिन मेरे को ना दिक्कत हुई, फिर मैंने छोड़ दिया था। नहीं, मेरे को बेचैनी हो जाती थी। हस्बैंड के लिए क्या मंगाया? उससे काफी। हाँ जी, हस्बैंड के लिए क्या मंगा हमारे से? हाँ जी, वो नहीं, उनके लिए तो अभी कुछ नहीं किया। पहले भी मैंने फोन मिलाया था, हमारा फोन नहीं लगा, आज पहली बार लगा। मेरे को बड़ी उसमें काफी पैसे, मैं बल्कि सोच रही थी कि मेरा फोन कट ना जाए और कैसे बात हो जाए। नहीं कटेगा तो नहीं। देखो सुधा जी, क्या होता है, राहु केतु शनि का उपाय
बहुत जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि तीन बार ऑपरेशन हो चुके, शनि बार बार ऑपरेशन कराता है, तो हस्बैंड ने भी नहीं लगा होगा नेल्स पे तेल? तो हाँ जी, नेल्स पे तेल लगाते हैं। लगाते हो हस्बैंड? हाँ जी। नहीं, नेल्स पे तेल लगाने के बाद ऑपरेशन तो नहीं होना चाहिए? हाँ जी, आपने वो जो बोला था यम का दिया, वो भी लगाया था मैंने, बल्कि वो मैंने अब लगाया था, मेरा भी ये सोमवार को ही 45 दिन पूरे हुए थे। अच्छा, भी हुआ ना, देखो तो। हाँ, पर ऑपरेशन तो पहले हो चुके ना? फिर ऑपरेशन हो चुके इनके, तीन हो चुके, तीन साल पहले। अच्छा, तीन साल पहले? पिछले चार साल में तीन ऑपरेशन हो चुके। हाँ, तो यार मैं क्या बताऊँ, देखो जी, इनका पछड़ा होके तुझे निका मतलब जबरदस्त हो, क्योंकि बार बार ऑपरेशन कर देता, पथरी बन रही, किडनी भी सुखड़ने लगी है। अब क्या बताऊं मैं, मेरा बड़ा समस्या आ जाती है अभी इनके लिए, तो क्योंकि 1.5 साल हो गया, आपने अब तक दवाई नहीं मंगाई, तो फोन कर लेते इस पर नंबर, कम से कम ये स्थिति तो ना आती, क्योंकि अब हमारे हाथ से बात निकल गई है, निकल चुकी है, तो गाड़ी जैसे प्लेटफार्म से छूट नहीं जाती है सुधा जी, ऐसे ही बात हो गई है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अब कम से कम 3 साल, क्योंकि वो सुकुड़ गई है और पथरियां जो निकल गई है वो बड़ी है, सिस्ट भी आप 36 या 18 की बता रहे हो, तो एक बार पर फोन करके पूरी डिटेल करके फिर एक बार बात करना, और वैसे ले आओगे तो इनको अच्छा रहेगा, एक बार ले आओ तो अच्छा रहेगा सुधा जी, मैं तो यही कहूंगा। तो अब क्या बताऊं मैं आपको, क्योंकि राहु केतु शनि ज्यादा बिगड़ जाता है ना, तो बड़ी परेशानी आती है, तो ये बीमारी दे देती, बार बार ऑपरेशन करा देती है, अगले की तैयारी करा देती है, तो इसलिए मैं कितनी बार कहता हूँ आज से, क्या 1982 से ये बात करता हूँ, क्योंकि जब पथरी बार बार बनती है या वो रहता है, तो क्योंकि शनि खराब हो जाता है उसके साथ राहु खराब हो जाता है, तो घुमा देता आदमी को इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, और धीरे धीरे किडनी यानी पानी सूखने लग जाता है, किडनी खराब होने लग जाती है, तो वही स्थिति इसकी आगे कितनी बार, चलो ये तो शुक्र बच के नेल्स पे तेल लगा रहे हो, क्योंकि शनि का उपाय कर लिया, शनि मतलब ज्यादा क्रोधित प्रसन्न तो है लेकिन ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ अभी, तो पूरा उपाय करोगे कि दिया भी अब लगा, आपने बता रहे हो जैसे 10-12 दिन ही खत्म हुए, तो अब देखो यम का भी दिया लगा, अब हो सकता है भगवान आपकी सुन ले और ये ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, मतलब कभी भी हमें देर नहीं करनी चाहिए, अगर परेशानी जैसे ही आ जाती है हमें उसका तुरंत हल कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं उनको बार बार पथरी बनती है, ये देखो ग्रह का बड़ा चक्कर होता है, मान्य ना मान्य कोई अलग बात है, अब इसलिए हमने तो इसलिए बता दिया, अब करना ना करना तीन का काम है। बिल्कुल, और दर्शकों मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप भी चाहते हैं कि पर्सनली मिलकर अपनी तमाम परेशानियों का दूर करना, तो उसके लिए लेना होगा अपॉइंटमेंट, और फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहीं पर विराम लगाना है। बंसल जी, आप हमारे स्टूडियो में इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे की, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। आज के इस बदलते परिवेश में खतरनाक बीमारियों से बचने और सावधान रहने के लिए वैदिक उपचार के इस शिविर अभियान में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम देखने को मिला। जो मैंने अपने अनुभव किया है कि अधिकतर तो रोग मानसिक रोग हो जाते हैं, अधिकतर रोग आर्थिक परेशानी के कारण हो जाते हैं। आदमी कहता भी मेरे को आर्थिक परेशानी रहेगी तो उससे जूझता रहेगा, तो दिमाग में वही टेंशन बनी रहेगी। मान लो लड़की की शादी करनी है, घर में पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में हार्ट की उसको ऑटोमेटिकली बीमारी आने लग जाती है, क्योंकि घबराहट होने लग जाएगी, पैसे नहीं है भाई, समाज में कैसे बात होगी, कैसे मैं करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, तो 24 घंटे रात को सोते भी उसको वही थॉट आते रहते हैं, तो यानी आर्थिक परेशानी के कारण भी उसको बीमारी आ जाती है। और जो हमारा मेन मकसद यही है कि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। दुनिया जैसे जैसे मॉडर्न होती जा रही है, जैसे जैसे उसके तौर तरीकों में बदलाव आता जा रहा है, वैसे वैसे बदल रही है बीमारियाँ। बीमारियाँ तेजी से अपने पैर पसार रही है, सर में कई तरह के दर्द, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द तो जैसे आम बात हो गई है, लेकिन वैदिक उपचार ने इस धारणा को बदला है। वैदिक उपचार के शिविर में आए लोगों का क्या कहना है, आइए एक बार जान लेते हैं। जैसे टीवी में देखा इनका प्रोग्राम बंसल जी का, तो फिर मैंने बेटे को भेजा वहाँ, मैं तो खुद उस टाइम नहीं गई थी, इसको ही भेजा था, तो दवाई मंगवाए से। दवाई लेने से इतना ये फर्क पड़ा कि जो मैं बिल्कुल लेट नहीं पाती थी बिस्तर पे, दिन रात रोती रहती थी, पेन किलर खाती थी, तो उससे मुझे थोड़ा मतलब ये थोड़ी देर के लिए आराम पड़ जाता था,